नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। हल्द्वानी की तमाम ऐसे जगहों की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लोगों की बातें कराएंगे जो आपने इससे पहले शायद ही देखी होगी। फिलहाल टीम की मौजूदगी गफूर बस्ती में हम मौजूद है, गफूर और ढोलक बस्ती में हम मौजूद है। बता दो यहाँ से हमने तस्वीरें देखी, बता दो यहाँ जो हालत है बेहद ही खराब है, सुविधाओं का अभाव है, किसी प्रकार की जो सुविधा यहाँ के लोगों के पास नहीं है। कैमरा पर्सन से कहूंगे दिखाई किस प्रकार से झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, आप उनके चूल्हे देखेंगे तो किस प्रकार की स्थिति यहाँ पे है। ये जो तस्वीरें हैं चीख चीख के अपनी स्थिति बयां कर रही है और इसी के चलते यहाँ के लोगों का जीवन यापन देखने में यहाँ पे आए हैं कि किस प्रकार से यहाँ के लोग रहते हैं। और बता दूं अंदर पूरी बस्ती यहाँ पे बसी हुई है, दुकान से लेकर हर सुविधा इन्होंने अपने स्तर में कर रखी है, लेकिन किसी प्रकार की सरकारी सुविधा इनको नहीं मिलती, इस प्रकार की जानकारी हमको दी गई है। और किस प्रकार की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तो आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पे जीवन में रहता है और कैसे वो अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करते हैं, क्या कुछ खास इनके जीवन में रहता है। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम भाई आयुब खान। आयुब खान यही रहते हैं? हाँ, ये घर है मेरा, ये आपका घर है। हम आज यहाँ की स्थिति देखना है कि इस प्रकार से यहाँ की स्थिति है। यदि मैं आपसे पूछूं तो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं और ये झुग्गी कितने साल पुरानी है? मैं भी ऐसे 40-45 साल पुरानी है। यहाँ पे कितने आते हैं नेता बार आते हैं लेकिन बोर्ड लेते हैं, कोई आज तक के ऐसी की ऐसी झोपड़ी है ना, तो कोई जगह दी गई है। अभी एक ये जब भी जो आते हैं वही कहते हैं कि वोट हमें दो, हम तुम्हें जगह देते हैं, रहने की व्यवस्था देंगे। वोट आप देते हो? वोट हम बिल्कुल देते हैं। आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी सब है? आधार कार्ड भी है, पिन कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, सब कुछ है। हाँ। और जगह यही मेंशन है उसमें? हमारे दादा परदादा सब यहीं पे इलेक्शन वोट हर साल डालते हैं, हम भी जाते थे। यानी यहाँ कोई एक आधार कार्ड दिखा देगा, मैं कोई भी घर से अभी ला सकते हैं? हमारे पास खुद का आधार कार्ड। दिखाइए। उसमें हम बेसिकली यहाँ का जो प्लेस है वो देखना चाहते हैं कि यहाँ पे प्लेस क्या लिखा है, एड्रेस बता दो। यहाँ पे जो एड्रेस है वो लिखा गया रेलवे बाजार बनभूलपुरा, ये एड्रेस इनका बनाया गया है। ढोलक बस्ती कहाँ पे लिखा गया है? बनभूलपुरा नगर किसमें लिखा हुआ? आधार कार्ड में नहीं लिखा है। हमारा जो यही कहना है, हमारा जो एड्रेस है इसमें लिखा गया रेलवे बाजार और बनभूलपुरा इसमें लिखा गया। मतलब मेरा दिखाने का ये तात्पर्य था कि इनके पास जो कार्ड है और वोट भी ये लोग देते हैं, लेकिन किस तरह की सुविधा इन लोगों को नहीं मिलती है। ये आप लोगों के लीजिए रखिए। यहाँ पे अगर बरसात होती है किसी के मलेरिया होती है किसी की, यहाँ पूरा भर जाता पानी। अब जैसे जिंदगी हम जीते हैं वो हमें को पता है। नेता वेता आते हैं कोई? अब नेता वोट का टाइम होता है तो सब आ जाते हैं। हमें वोट कौन सा है? वोट 12 है 22 वार्ड है, 22 वार्ड नंबर 22 है। यहाँ के पार्षद वगैरह कौन है? यहाँ पे पार्षद यहाँ के वो साकिर कबाड़ी। साकिर कबाड़ी, वो आते हैं कभी कुछ समस्या आती है? आते हैं। नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं। पानी नहीं लगाया तो पानी का यहाँ पे लगाया पानी का। अच्छा, जो पानी आता है उसी ने दिया। ऐसा था पानी हमारी जो माँ बहने थी यहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर दूर यहाँ से पानी भरने के लिए मंडी बाजार जाती थी। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा हल्का सा हमें सुविधा पानी की मिली, बस हल्की पानी की मिली है। और यहाँ पे अगर बरसात होती है तो यहाँ पे परेशानी और बीमारी ज्यादा होती है। यहाँ पे कोई भी परेशानी दिक्कत होती है तो हमें झेलना पड़ता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के जिस टाइम में वोट इलेक्शन पड़ता है जब ही आते हैं सरकार। अच्छा, सरकार जब ही आती है ऐसे कोई देखने नहीं आते, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन भूखा मर रहा है। आप एक अभी बाहर जाके देखो, वो गद्दे पड़े हुए हैं, इसी को बेचते हैं, इसी को खाते हैं। तो माँ बहन काफी खराब यहाँ के लोगों की है और बहुत मुश्किलों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप महिला हैं और सरकारी व्यवस्थाओं में सुविधाओं में कुछ आप लोगों को मिलता है? राशन वगैरह लोग बांटते हैं? मिलता है राशन? मिलता है राशन? मिलता है उससे, राशन कार्ड से। उसके अलावा और कुछ मिलता है सरकारी सुविधाओं में? कुछ नहीं मिलता। अच्छा, सरकारी सुविधाओं में मकान वगैरह जो? कुछ नहीं मिलता। मकान क्या है, झोपड़ी तो है खाली, बस ये झोपड़ी के अलावा और कुछ ही नहीं है। ठंड भी इसी में, गर्मी भी, लेट भाग जाती तो हम ऊपर जाते बैठने के लिए, वहाँ भी और जब बारिश होने लगती है फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम। अभी अभी पानी आता है, सब झोपड़ी सुचवाता है, पानी आता है सीम में, तो गर्म हवा आती है। आप 10 मिनट पंखे के नीचे बैठो, इतनी गर्म हवा आती होगी, कुछ बिल्कुल समझ रहे हैं। क्योंकि जो पन्नी है ना
बात कौन करके जाओ वहाँ पर, बात कौन फैला देते हैं, मीडिया की बात कर रहे हैं। हाँ ये मीडिया की, अब यहाँ पर अच्छी अच्छी बात बताते हैं और वहाँ पर जाओ तो कोई दूसरी खबर आ जाती है। अगर मैं इस तरह बताऊँ तो उनकी ओर से ही पहले भी हमने ऑफ करा कहा गया था कि मीडिया यहाँ पर आती है लेकिन हम कहते कुछ और है, बात कुछ और फैला दी जाती है, लेकिन हमने अभी इनको कन्वेंस किया है और ये भरोसा दिलाया है कि जेजेन कभी इस प्रकार की जो हरकतें नहीं करते कि यहाँ से कुछ और ले गया वहाँ कुछ और ले गया। अगर आप चैनल में देखेंगे, मैं आपको अभी अपना चैनल दिखाऊंगी, आप तमाम रिपोर्ट हमारी देखेंगे, कभी ऐसा नहीं होगी किसी ने क्या बोला हमने क्या दिखा देना, कभी किसी ऐसे आरोप बोलते दीदी ऐसे सब बोलते हैं, जैसे ना लैटरिन की है ना उसकी है, और जैसे बारिश भी होती है तो क्या जाएगा, हमें को जमीन का सारा देकर भी जमीन नहीं मिली हुई है, इसके पीछे जाते लैटरिन करने। अभी जाके देखिए वहाँ पे माँ बहने वहाँ बैठती है, लोग वहाँ से नीचे ऊपर से देखते हैं, हम देखते हैं हमें कितना बुरा लगता होगा। शौचालय भी नहीं है, मतलब वो सरकारी शौचालयों की बात कर रहे हैं आप लोग, कुछ भी नहीं है तो हम आर्थिक स्थिति आपकी उतनी अच्छी नहीं क्या अभी अपने खुद के बना सके, वो तुम कैसे बनाए बताओ, अगर बनाने बैठेंगे तो भाई साहब वो सरकारी तरफ से आ जाएंगे, अब ये एरिया में कहाँ बनाएंगे, चम्मू के नीचे झोपड़ी में इसमें 10 परिवार बच्चे इसमें सोते हैं, उसी में बहू भी है, इसमें बेटा भी है, इसी में माँ भी, इसमें बाप भी, इसमें भाई भी, इसमें इतने परिवार में ये खुला रहता है ऐसे कि ये सब ढकते हैं, ये पूरा जो झुग्गी है ये है पूरी खुली हुई झुग्गी है, सब खुला हुआ है। अब अनुमान लगा बरसात में क्या हाल होता होगा, तिरछी बारिश आ जाए तो पूरा भर जाता है, भर जाता है पानी में, दिक्कत होता है, परेशानी भी होती है, भर भी जाता है ये, उड़ भी जाता है ये, उड़ भी जाता है, कभी कभी तो पूरी रात को डंडा लेके पकड़ के बैठे रहते हैं कि उड़ ना जाए बिल्कुल, कभी कभी उड़ भी जाता है तो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं। चलिए आपने तमाम समस्या सुनी, अभी कुछ बच्चे इनसे जानते हैं स्कूल वगैरह जाते हैं, नाम बताओ, सब जाते हैं, नाम बताओ, नाम बताओ, मोहम्मद आशी नाम है, जाते हो स्कूल, स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हो, चौक बाजार, कितने में पढ़ते हो, कक्षा चार में पढ़ते हो, पढ़े आते हैं, सुनाइए दो का, दो एकम दो, दो दुनी चाल, दो दिया छह, दो चौक आठ, दो पंजे दस, दो छिंगाला, दो सत चौदह, दो अट्ठे सोलह, दो नीम अठारह, दो दाम बीस, आता है मतलब पढ़ते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन शिक्षा को लेकर क्या आप लोगों की सोच है, पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कुछ भी कुछ बनना चाहते हैं, आप कैसा बनना चाहते हैं, हमारे जैसा बनना चाहते हैं, हम जरूर बनिए अच्छा और अच्छे कीजिए अपने लाइफ में, ये बोलेंगे पर शिक्षा को बहुत गंभीरता से लीजिए, शिक्षा वो आपकी ताकत है ना जो आपको बहुत अच्छा बना सकती है, अपने परिवार वालों को आप हर सुख सुविधा दे सकते हैं। आप जाती हैं स्कूल, कितने पढ़ती हैं आप, नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती, मैं पढ़ना नहीं लिखती, पढ़ना नहीं जाती आप, पढ़ लिख के तो बड़े ठाट होते हैं, मैं अभी नहीं लिख पाती, अच्छा लिख जाएंगी, सीखेंगी तो लिख जाएंगी, नहीं लिख पाता, नहीं लिख पाती, नहीं कौन है इनकी मम्मी, कौन है मम्मी, नहीं है भैया, कौन है भैया, भाग गए, आप बताइए छोटे बच्चे है ना, नाम बताइए अपना, ताजुद्दीन, आप जाते हैं जी, आप हमें मिले थे क्या पहले उसे क्रिकेट खेलते वक्त वहाँ पर, मिले थे ना क्रिकेट खेलते वक्त, आप पढ़ना चाहते हैं जी, जी मैं पढ़ता हूँ, आपने बात की थी ना हमसे जी, पहले भी आपसे बात की, पहले भी बता दो कि जिस दिन मदर्स डे के लिए हम आए थे यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ के लोगों ने बात की थी, बच्चा पहचाना लगा मुझे, तो मुझे लगा, कितने में पढ़ते हैं, हम मदरसे में पढ़ते हैं, हमारे में क्लास नहीं होती, अच्छा तो हमारे मदरसे में हिंदी इंग्लिश गणित सब होती है, सब होती है, क्या बनना चाहते हैं आगे, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या करेंगे इंजीनियर बनके, क्या करेंगे, सबका इलाज करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनके इलाज कैसे कर लेंगे आप, सब इंजीनियर बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इलाज करेंगे, सबका डॉक्टर बनके इलाज करेंगे, इंजीनियर बनके और कुछ करेंगे, आप बताइए, नाम बताइए, क्या कुछ समस्या सुन रहे हैं, हालांकि तमाम बातें बताई गई है, ना घर है ना शौचालय है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं आप खुद ही कवरेज कर सकते हैं, ना तो बाथरूम की व्यवस्था है और ना ही घर की व्यवस्था है, आप खुद ही देखिए कैमरा लाकर किस प्रकार से आदमी एक ही घर में पाँच पाँच छह छह परिवार रह रहा है, लाइट वगैरह की व्यवस्था होती है, लाइट वगैरह आती है, लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, बल्ब वगैरह चल रहा है, ये लाइन कहाँ से आई है, ये तो ले रखा है किराए पे, अच्छा मतलब विभाग की लाइन है यहाँ पे, लाइन है, बिजली वगैरह इनको विभाग देता है, यहाँ पे लाइन वगैरह है, आगे बढ़ते हाजी ने साकर हाजी है जो
वो पानी बत्ती लगा रखा है यहाँ साइकिल का भाड़ी वो लगा रखा बत्ती पानी भी पानी की भी सहायता करी बेचारे उसने जब वो जीते यहाँ पर पार्षद थोड़ा बहुत हमने भी करी। वार्ड 22 के सभी रहने वाले वार्ड 22 इनका क्षेत्र पड़ता है इनके आधार कार्ड में वार्ड 22 लिखा है अभी ये बीच में 15 वार्ड हो चुका है ना पहले 22 था अच्छा ये 15 हो गया अपडेट हुआ है अभी 15 वार्ड आधा इस साइड का एरिया हुआ आधा इधर नीचे रेलवे स्टेशन के जस्ट पार नीचे होता है वहाँ पर आधा एरिया हुआ। चलिए हमारी भी जानकारी दुरुस्त हो गई कि ये वार्ड 22 से 15 हो गया बता रहे डिवाइड हो गया कब से हुआ ये 5 साल हो गए मेरे ख्याल से 5 साल जी हाँ 5-6 साल हो गए इस बीच इससे पहले के इलेक्शन से ही वो हुआ है जो चलिए पहले इलेक्शन जब हुआ था जब से हुआ। चलिए तमाम जो समस्या सुनी आगे बढ़ते हैं बस्ती में और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं बता दूं कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाइए काफी बड़ी ये बस्ती है 10,000 के लगभग आबादी दोनों बस्तियों की यहाँ है कुछ और लोगों से बात करते हैं नाम बताइए अपना कदम अली ये आपका ही दुकान है खोखा कैसे करते गुजारा वजह कैसे पानी बेचते हैं गुजारा करते हैं बच्चे पलते हैं क्या करा जाए जब तक जब हम लोग आज से 50-40 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते हम लोग को कोई सहायता नहीं मिली सरकार तरफ से न कुछ मिला अब हम लोग की मांग यही है कि हम लोग सरकार कहीं जगह दे हम लोगों को मन ही से हिम्मत दे कहीं और जगह दे दे कहीं कहीं भी दे दे ये भूमि वो है जो रेलवे प्रकरण में आ रही है ये रेलवे प्रकरण नहीं है ये इसकी मलिक साहब थे ना इनके कागज है इनके पास ये दान सिंह जो सेठ थे ना पहले ये बताते हैं वो लोग उनके पास थे ये कोले वोले पड़ रहे थे पत्थर पड़ रहे थे यहाँ पे लकड़ी गड़ी आ रही थी यहाँ पे जंगल की तो उनके दान सिंह की जमीन थी आपके विवादित है क्या कोई विवाद है जमीन में विवाद तो कुछ भी नहीं है बता दे रेल वाले कह रहे कि हमारी जमीन है रेल वाले की जमीन वो गोले की तरफ आ रही है अब हम लोग की ये गरीब लोग हैं बहुत परेशान रेलवे वाले इसको भी बता रहे हैं अपना ना ये बताते हैं रेलवे वाले के हमारे हैं वो ये जगह घुमा तक बोलते हैं अब मान गए ये तो जगह उनकी है नहीं है दान सिंह आप लोग कह रहे हैं हमें कहीं और दे दीजिए हम तो हम ये कह रहे हैं मान के यस आपकी मेन जगह है तो आप कहीं हमको दूसरा बसा दीजिए हम लोग की ये है जो हल्द्वानी में जो काफी चर्चाओं में रहता है रेलवे प्रकरण ये जमीन उसके अंतर्गत भी आती है इस प्रकार से रेलवे पूरा जमीन अपने को बताता है तो उनका साफ तौर पर कहना है जमीन अगर आपकी है तो आप ले लीजिए लेकिन हमें कहीं और जमीन दे दीजिए आप ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं हम ये कह रहे रेलवाई की जमीन तो है नहीं है ये मान नहीं रहे रेलवाई वाले ये कह रहे कि जमीन हमारी है ये उनकी जमीन नहीं है मान दान सिंह जो सेठ था पहले का वो ये कह रहा है ये जमीन मेरी है मैं खुद ले रखा था ये उनकी गाड़ी ट्रेन चलती थी यहाँ पे बहुत दिन की बात बता रहा हूँ तो मेरी पैदाइश भी नहीं रही होगी कोई नहीं अभी तो मामला कोर्ट में चल रहा है हमारा कहना भी इसमें उचित नहीं है कि जमीन किसकी है वो तो जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तभी पता चल पाएगा कि जमीन किसकी हालांकि अगर मैं आपके जीवन की बात करूँ तो कितना कमा लेते हैं इस खोखे से कुछ नहीं कमाते कितना कमा रहे हैं महीने में 5-6 हजार 8 हजार 10 हजार रुपए कमाते हैं उसी में खर्च है घर का भी खर्च है कितने घर में हमारे दो परिवार है इस पे कितने लगभग 10,000 दो परिवार पालते हैं दो परिवार है बच्चे है बहू है लड़की है मन सभी को पालना पड़ता है हम अकेले छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोगों के इसके अलावा कोई और रोजी रोटी नहीं है कुछ नहीं है हमारे लोग क्या कुछ भी नहीं हम तुम देखो आप बैठे हुए खाली ऐसे मान सरकार कुछ सहायता करे न करे गरीब के लिए बताओ दुनिया की स्कीम आ रही है दुनिया का लोन आ रहा है कुछ गरीब को दिया नहीं जाता राशन मिलता है शायद यहाँ पे राशन खाली मिल रहा है बस राशन के सिवा कुछ नहीं मिलता हम लोगों को पानी वगैरह बिजली की समस्या कुछ कुछ नहीं सब पैसे ले लेके जला रहे हैं लेट हम क्या करे उससे मांगते पैसे लेते हैं हमसे जलाते हैं हम बिल नहीं मीटर हमारे पास बिल क्या आएगा मीटर नहीं है तो बिल क्या लाइन विभाग की लगाई गई है लाइट लगी हुई सरकारी ये बत्ती जल रही ना पार्के से लगाई ये नगर निगम वाले ने पार्षद ने लगवाया ये कहना बस कहूंगी दिखाइए वो कहेंगे उस जो स्ट्रीट लाइट है वो नगर निगम की हाँ ये नगर निगम की लगी हुई सब और एक अंदर लगी हुई वो गैस वाली जो बैटरी वाली आती है ना मतलब यार किसी का मीटर नहीं है कुछ किस नहीं मीटर तो नहीं है झुग्गी बोले आप नहीं है मीटर नहीं अब क्या करें झुग्गी झोपड़ी में क्या लगे मीटर और ये बिजली का बिल वगैरह भी नहीं आता कोई होती तो विभाग की बिजली होगी हाँ है विभाग के मन किसी ने ले रखा हमने जिसके पास मीटर लगा उससे किराया मिले रखा 100 रुपये महीने 150 रुपये महीने देते रहते ये बात है बस ये है और कुछ लोगों से बात करते हैं कुछ कहना चाहते हैं बोलिए क्या कहना चाहते हैं बोल नहीं चलो एक काम करो आप हमें
अपने बस्ती घुमा दो, आइए आगे चलते कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से हैं? यहाँ से आए, आ जाइए चलिए। बताइए काफी जो पतला है ये मार गए, काफी सैकड़ा मार गए, आप देख सकते हैं इससे ये ढोलक बस्ती है। नाम बताइए अपना, नाम बताइए, नाम बताइए। उजाला। क्या खा रहे, क्या बना रही खाने में? सब्जी। किस चीज की सब्जी है? किस की सब्जी है? उधर उधर बोल मेरे चाचा ने। सब्जी किस चीज की है? उधर उधर। हाँ सब्जी बताइए। आलू गोभी, आलू पालक, आलू बैगन, आलू बैगन की। और चावल बना रही साथ में। चले कोई नहीं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। दिखाइए आगे, अब हम आपको दिखा रहे हैं सब कुछ। आइए आइए, आप यहाँ पर जरे ढोल बना रहे हैं, यहाँ पर सब काम होता है। आप धीरे धीरे चले, कैमरा पास छूट गया हमारे पीछे। जी जी, ये हमारी छोटी सी ढोलक बस्ती है। अच्छा, ये ढोलक बनते हैं? जी हाँ। तो इसे ढोलक बस्ती कहते हैं? जब इसको ढोलक बस्ती कहते हैं। अच्छा, ये जिस प्रकार से मैंने बताया ढोलक बस्ती, यहाँ पे ढोल बनते हैं तब इसको ढोलक बस्ती कहते हैं। हम देख सकते हैं आप लोग स्कूल जाते हैं सभी बच्चे? हम तो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये जाता है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके सबको सुनेंगे। कहाँ जाते हैं? बदली पुला। कितने नंबर से? छह में। छह में छह बदली पुला। पहाड़े आते हैं टेबल्स वगैरह? पहाड़े आती है। भूल गई, इंग्लिश में आता है। क्या देखो? नहीं हुई, टेबल सुनाओ दीदी। कैमरे में देखिए ना, कैमरे में आएंगे। सब दोस्त है हम लोग। जी हम दोस्त है। फिर दूसरे सर है, छुट्टी वुट्टी है क्या? सब घर में है हमारा छुट्टी, जुम्मा है ना, हम नमाज नमाज पढ़ते हैं। अरे जुम्मे के दिन छुट्टी रहती है हम लोगों की। क्या करते हैं जुम्मे के दिन? गुटखा खाते हैं आप? नहीं नहीं नहीं। आप माए उनकी? आप माए? आपसे आपसे बात करें। नाम बताइए। इब्राहिम मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब क्या बात है, क्या बात है? मतलब देखिए, एक मिनट शांत हो जाइए, पहले बात करेंगे ना। आप लोगों से मुझे सुनना है, क्यों नहीं करेंगे? आप पार्षद है यहाँ के? नेता है, विधायक है? चुप कीजिए सब, आइए। हम यहाँ की समस्या जानना है। आगे लोगों ने बोला ना यहाँ बिजली है, ना शौचालय है, ना ऐसे मकान है, ठीक है? क्या कुछ आप लोगों को समस्या आती है बिजली वगैरह को, कैसे करते हैं? बिजली मेरे बोला नहीं था नहीं नाम क्या है आपका? मेरा नाम रजिया है। रजिया है, रज्जो, रज्जो। कैसे, क्या कुछ समय कुछ दिक्कतें होती है? दिक्कत तो बहुत है। क्या है, क्या है? अभी ये झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ पर रहने को ठिकाना नहीं। अभी ये बारिश होती है, पानी आ जाता है घर के अंदर, और परेशान होकर निकलने में इतना कीचड़ हो जाता है यहाँ पर। तो घर में कौन कौन रहता है? घर में आदमी है, बच्चे हैं, लड़की है। कमाई का जरिया क्या है? कमाई यही ढोलक, ढोलक बेचती हैं। एक महीने का कितना कमा लेते हैं? एक महीने का कम हो जाता है 1000-2000 रुपया, और क्या। एक महीने का 1000-2000? एक ढोलक कितने की बिकती है? बिक जाती 100-200 की, और क्या। 10 ढोलक बेच पाती है एक महीने? कौन लेता दीदी, कोई इतना कारोबार है नहीं। अब सब डीजे चला रहे, मोबाइल चला रहे, इतना कारोबार है नहीं, तो आदमी सब यही। अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, इस प्रकार से बच्चे बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई को लेकर क्या सोच है यहाँ के लोगों की, शिक्षा को लेकर क्या सोचती हैं? यहाँ पर गुंजन मैम आती है पढ़ाने को बच्चों को, फिर ये स्कूल है, आंगनबाड़ी में कोई पढ़ता है, कोई चौक बाजार में जाता है, कोई बद्रीपुरा जाता है। अब यहीं पर बच्चे जाते हैं, अभी आजकल छुट्टी चल रही है ना, तो इसके वजह से नहीं। मतलब क्या लगता है कि शिक्षा जरूरी है या नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं? जरूरी है, शिक्षा तो जरूरी होती है बच्चों के लिए, उसका भविष्य बनाना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है।
बता दे जिस प्रकार से बातें चल रही है यहाँ। एक मीडिया को लेकर एक कथा कथित अजीब सा मिथ है। अब मुझे जानकारी नहीं है कि किस मीडिया पर्सन ने ऐसा करा है। इन तमाम शिकायतें ऐसी मिली है कि मीडिया वाले यहाँ से कुछ और लेके गए पर छाप कुछ और दिया। ये हमें आगे भी जानकारी दी गई थी। जैसे हमारी बात और कर देते हैं, अभी उन्होंने बोला तो मुझे फिर से याद आया हमें क्या हुआ, क्या हुआ क्या लोगों के साथ। अब ये आप लेकर जा रही है, अब कोई कह देगी ये बात है वो बात है दूसरी तीसरी बात बता देते हमें लोग बुरा भला कहते हैं। कितनी बार हुआ इससे पहले आपने, आप जे जे ने कभी ऐसे किया आपके साथ? कई बार हो गया, कई बार हो। हम आए कभी यहाँ पे ऐसे? हमने करा नहीं आए, हम नहीं आए ना, आप नहीं आए ऐसे बहुत। ये जो शिकायत है ना मैं आगे भी मिली कि मीडिया को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे इसी में खराब माहौल है, इसी में हमारा दिल झिझकता है, करने को बात नहीं करने को दिल करता है, लोग कोई क्या कहते कोई। आपने हमसे बात की ना, अगली बार जब आएंगे वीडियो लेके आएंगे, वीडियो देखिएगा सब सब सबको दिखाएंगे। देखिए हम छापने वाले नहीं है, हमें दिखाने वाले जो आप बोलेंगे वही हम दिखाएंगे, इसका हम आपको भरोसा दिला सकते हैं। तो जे जन ने आज से पहले अभी कभी ऐसा नहीं किया ना हमें कभी शिकायत ऐसी मिली। चलो आपकी बात देख सुन रहे हैं और क्या कहेंगे, विश्वास करेंगे आपकी बात। बता दे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वाकई में ये थोड़ी खराब बात है अगर मीडिया वाकई में ऐसा कर रही है। मुझे नहीं पता क्या कुछ जानकारी है किसने इनके साथ ऐसा किया है, लेकिन ऐसी बात वाकई में यहाँ पे हुई है कि कहा कुछ और गया है, छापा कुछ और गया है, अब पता नहीं अब आगे क्या होता है। या पर हम अपने स्तर से जितना भी प्रयास करेंगे, जो लोगों ने बोला है वही हम देखा, जे जे करता भी यही है। आगे के अनुभव से कहूंगी, पीछे तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से जो स्थिति है, पूरी झुग्गी झोपड़ी यहाँ पे है, काम नहीं होता, भूखे भी रह जाते हैं कोई कोई यहाँ पर, बहुत जने भूखे भी रहते हैं यहाँ पर, भूखे रह जाते हैं जिस दिन काम नहीं होता, खाने पीना होते ही नहीं, तो यहाँ पर सब कोई कोई भूखे रह जाते हैं बेचारे, कभी काटना पड़ता है भूखे रह जाते हैं, खाना भी नहीं चलता हमारे घर में, भूखे रह जाते हैं कोई बात नहीं, भूखे सो जाते हैं। यहाँ पर ना शौचालय है ना कुछ है, यहाँ पर पानी भी गिरता है बहुत तेज तेज, तो हम ऐसे भी भीग जाते हैं। जब यहाँ पे पानी गिरता है तो यहाँ पे बहुत पानी गिर जाता है दीदी, पानी यहाँ पे गिरता है तो इतना पानी आ जाता है दीदी, आप भी सहायता करोगे ये पूरा घर डूब जाता है। देखिए हम आप लोग इतनी बात आगे पहुंचा सकते हैं, सहायता करना ना करना वो आगे सरकार की बात है, प्रशासन की बात है, लेकिन हम अपने स्तर में आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। दीदी हम कूड़ा बीन के गुजारा करते हैं, दीदी हम अपना कूड़ा बीन के गुजारा करते हैं, किसी दिन कूड़ा नहीं मिला तो कूड़ा बीनती है जो हमारे अब्बू भाई वो ढोल बजाते हैं। आप लोग की पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे कर रहे, घर की जिम्मेदारी होती है, बहुत काम हम करना होता है, हमें हलवाई का काम सिखाते हैं, हम ब्रेड बना लेते हैं, जलेबी बना लेते हैं। अच्छा ब्रेड जलेबी बना लेते हैं भैया, दीदी ब्रेड बना लेते हैं, हमारा ये ढोलक ना बिके तो हमारे घर में रोटी भी ना पकाए, चूल्हा ना जले हमारे घर में। तमाम जो बच्चे हैं हमें बातें बोलते नजर आए हैं कि इस प्रकार से तमाम जो समस्याएं यहाँ के लोगों को है, बच्चों ने एक गंभीर बात बोली है कि जो महिलाएं हैं वो बाहर शौच में जाती है, और ये जो बात है आगे भी हमारे सामने आई थी कि इस प्रकार से जो महिला है वो कैंपस से साइड हो जाइए, मैडम को जाने दीजिए, कि आगे भी ऐसी बात सामने आती है कि शौचालय ये लोग बाहर पे करते हैं, और खासतौर पर लड़कियां जब बाहर जाती है, लड़के जो वीडियो उनकी बनाई जाती है, पत्थर मारे जाते हैं, ये थोड़ा सा शर्मनाक है कि किस प्रकार से अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो पूरी भूमि है ये अभी विवादित चल रही है, अभी जो टीम है उसी के नजदीकी वार्ड यानी कि वार्ड 24 में मौजूद है, इसे गफूर बस्ती भी कहा जाता है, इसके नाम से इसको जाना जाता है, और यहाँ हम देखना है कि यहाँ के लोग किस प्रकार से जो अपना जीवन है वो यापन करते हैं, किस प्रकार से यहाँ के लोग रह रहे हैं, और किस प्रकार से रेलवे अतिक्रमण की जो तलवार है वो भी यहाँ पे लटक रही है, क्या कुछ इनका कहना है, भय है इनके अंदर, और कितने सालों से आखिर यहाँ पे रह रहे हैं, नाम बताएंगी अपना, कितने सालों से रह रही है यहाँ पे? 25 साल हो गए। कैसे रहती है, रोजी रोटी का क्या है साधन है? रोजी रोटी का है, कमाते हैं, खाते हैं, और क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते, लड़का है एक हमारा, दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का। क्या करते हैं? पुताई का काम करते हैं। पुताई का काम करते हैं, चल जाता है घर अच्छे से? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चल जाता है। और जिस प्रकार से अगर मैं रेलवे की बात करूँ, भूमि कब ली आपने ये बताओ, मकान की जमीन कब ली? जी बेटी हमें तो 25 साल हो गए, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं 50 साल 40 साल के उनसे मालूम बात करो, हमें तो 25 साल हो गए, हम तो सच बोलते हैं, सही बात है। कागजात वगैरह हैं कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं, खाली आधार कार्ड और पहचान पत्र है, वो भी 20 साल पुराने। इससे पहले क्या रहती थी? 25 साल पहले इंद्रनगर। जब आपने जमीन खरीदी तो किस बेसिस में खरीदी, कुछ कागज से या क्या थे? कुछ नहीं ऐसी खरीद ली। कितनी रकम में खरीदी? अब रकम क्या है,
सस्ता था तो सस्ते में ही खरीदी। कितनी फिर भी होगा, 6-7-8-10 हज़ार में खरीदी ऐसी? ऐसे में खरीदी सर, सस्ता था तो सस्ते में खरीदी। 25 साल हो गए। कितने लोग हैं परिवार में? हम परिवार में 2 बच्चे हैं, हम 2 जने हैं, 2 मियाँ भी 2 बच्चे। लड़की की शादी कर दी, लड़की की बहू है, 4 लोग अब भी है, मतलब 1 लड़की पोती, 5 लोग। 5 लोग हैं ठीक है, मतलब 25 साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए। हालांकि किस तरह के कागजात लोगों के पास नहीं है, इन्होंने जमीन खरीदी है, सस्ते में मिल रही थी और कुछ इस प्रकार की बात सामने आई है। मतलब तमाम बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और स्कूल जाते हैं। हाँ स्कूल जाते हैं, जिन सब खरीदे थे वो बेचारे मर गए। क्या लगता है, इंद्रनगर में आप किराए में रहती थी, आपने यहाँ खरीदी जमीन, आप इस प्रकार से जो रेलवे की जो तलवार लटक रही है इसमें अफसोस होता है कि कुछ कागजात लेके खरीदी चाहिए थी यहाँ पे? अब क्या होता, सोचता बहुत परेशान है लोग, हंसे में हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है। आइए रहिए, नाम बताइए अपना। नाम बताइए, अब बताइए नाम। कितने सालों से रहती हैं आप? 20-22 साल हो गए। कागज वगैरह हैं? कागज नहीं है। आप लोगों ने जमीन खरीदी थी तो किस बेसिस पे खरीदी थी? हम भरोसे पे खरीदी थी कि सब रह रहे तो हम भी रह रहे हैं। अच्छा, देखा देखी ले ली। अच्छा, कितने रकम में खरीदी? ऐसी ली थी 20-22 हज़ार की ली होगी, जब सस्ते का जमाना था। अच्छा, अगर आपकी मैं आमदनी की बात पूछे, कैसे चलता है घर का गुजारा? घर के मजदूरी करते हैं। कितने परिवार में लोग हैं? 5 लोग हैं। किसमें सुविधा मिलती है यहाँ पे? राशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, अब आप सब बच्चे यहाँ पे हैं, स्कूल जाते हैं? जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हाँ, कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हैं? हम तो MIH स्कूल। अच्छा, आज गर्मियों की छुट्टी पड़ी है अभी, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई वढ़ाई क्या? 1-2 सुना दो। ये अपनी टेबल साथ है कुछ नहीं, बड़े दिमाग में बच्चे मौजूद है। गर्मियों की छुट्टियां हैं वो पड़ी हुई है, जिस कारण सभी ये छुट्टियां मना रहे हैं। आप बताइए, नाम बताइए अपना। सोफिया। कहाँ जाती है स्कूल? जी जैसे बमोपुरा। बमोपुरा जाती है। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ पर? जब से लगभग तब भी कितने साल बातें छिड़ती होंगी परिवार में? 18-19 साल हो गए, क्योंकि मैं 18-19 साल की हो गई ना, इसलिए 18-19 साल हो गए। वैसे तो मेरे घर वाले सब यहीं से रहते हैं। अच्छा जी, और घर में क्या करते हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है मेरे, मम्मी है। अम्मी क्या करती है? लोन गार्डन में बर्तन होते हैं। अच्छा, और भाई बहन कितने हो आप? हम 10 बहनों पे एक भाई है हमारा। 10 बहनों में एक भाई है। आप सबसे बड़ी है छोटी है? 8 बहनों से छोटी हूँ, एक से बड़ी जी। एक से बड़ी है जी। जो जानकारी जिस प्रकार से रेलवे की आपको होगी, जो अतिक्रमण की बात आ रही है जी, क्या लगता है कि इससे कितना प्रभाव आपके आप बच्चों पे पड़ेगा अगर ऐसा हो? बहुत पड़ेगा, हम बच्चों का इससे बेकार हो जाएगा, हमारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाएगी। अभी ये हुआ था फिर भी ये होने लगा है। हम तो कह रहे हैं आप ले लो, पर हमें इतना कुछ दे दो ना जो हम जगह बना ले कहीं से। अभी तो मामला चल रहा है, बहरहाल हम यहाँ पे अभी वो अतिक्रमण हो नहीं रहा है, आपको बता दे, हम आप लोगों को बस देखने आए थे कैसे रहते हैं। तो इसका भी हमें पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसे रह रहे जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं यहाँ पर। बच्चों की देखो आप, घरों में बिल्कुल लाइट नहीं, किसी भी घर में देख लो आप, सुविधा नहीं है। अब बोर्ड भी दे दो उसमें भी कोई फायदा नहीं है, देने को हम दे देते हैं, सब तो ऐसे रहते हैं, हम गरीबों की मट्टी पलट होते हैं। आप खुद देख लीजिए किसी घर में स्टेम लाइट। पार्षद कौन है यहाँ के? लही कुरैशी। आते है कभी? कभी कभार आते हैं जी। आते हैं जी, तो देते हैं सुविधा कोई? अभी फिलहाल इतनी तो दी है, खम्बे वम्बे लगा दिए, बाकी तो पता नहीं है। बाकी पता नहीं है। जमीन वगैरह है आपके पास? जी नहीं, एक ही है बस, वो कागज है उसके? हाँ है। आपके पास है कागज? जी, मतलब इस बस्ती में आजू के बाद कागज है जी। कागज तो सबके पास, एक तरह से उन्होंने मलबे जैसे लिए जमीन, ठीक है, जैसे की पट जमीन ली है, उसके कागज क्या क्या कागज खिलाए जाते हैं। अब ये ले रोए की है, बहुत से कहते हैं टूट जाएगी, बहुत से कहते हैं नहीं टूटेगी, सब तो खुदा के ऊपर है। अगर वो अभी हमारी जमीन ले रहे हैं, ले लो, हमें जमीन दे दो वापसी कहीं और, आपको जरूरत है ले लो, पर हमें कहीं और दे दो। अगर आप कहीं और नहीं दे रहे तो हमारी जमीन
मत लो, क्योंकि 4000 घर कहाँ जाएंगे यहाँ से, इतना मोहल्ला कहाँ जाएगा, इतने बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने, आप खुद बताओ। कि सरकार को भी तो दिखना चाहिए, पानी नहीं है कुछ नहीं, इन बच्चों की हालत देखो गर्मी में क्या हो रही है, इतनी सहूलियत तो मिलना चाहिए यहाँ पर। या तो आप जिस दिन बस्ती बसी थी उस दिन आपको उसी टाइम खत्म करना चाहिए थे, आपने बसवाई क्यों? अच्छा, आप वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लेट लतीफी की गई है कि बहुत सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि या तो हटाया जाए तो इनको कहीं और जमीन दी जाए, नहीं तो इनको हटाया ना जाए, ये लोग आप बात कर रहे हैं जी। आप कब से रह रहे हैं? या तो उसी टाइम हटाया जाता, आपने पूरी बस्ती सब कुछ करवा दिया है, उसके बाद आप हटा रहे हो, ऐसे तो कोई नहीं करेगा। या तो आप हमें अपने हक दो, जमीन दो हमारी। हालांकि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, बता दो जो कोर्ट है वो सही फैसला लेगी और उम्मीद करते हो सबके लिए सही होगा, वही फैसला आएगा। हालांकि आप सभी बच्चे यहाँ पे हैं, कोई बात करेंगे आप में से? नहीं सुनने आए हमको, आप बात करेंगे ना? नहीं, नाम बताइए अपना। अजीम। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? यही के। फिर भी साल बता दीजिए, कितने साल लगभग? 39 साल हो गए। कागज वगैरह है यहाँ के? कागज मतलब कौन से कागज? जमीन के कागज किसी के नहीं है। जैसे हमने सबसे पूछा, लोग कह रहे हैं कि हमें भरोसे में जमीन ली है, मतलब जो आपको सस्ते ली है। तो जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं उसमें आप कैसे अपने को डिफेंड कर रहे कि हमारी जमीन है, मालिकाना हक कैसे जताएंगे? मालिकाना क्या, बाप दादा हमारे यहाँ जो मर गए वही रहते थे, आज हम भी मर जाएंगे, कोई पता है? अच्छा, और क्या करते हैं घर में? कितने लोग हैं आपके? 6 जने हैं। क्या करते हैं आप? गोला में काम करते हैं। गोला आज से बंद हो गई। तो जब गोला बंद हो जाती क्या करते हैं? इधर उधर मजदूरी लेबरी किसी भी काम में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब घर का पालन पोषण अच्छे से हो जाता है? आप बताइए, नाम बताइए, क्या करते हैं आप? कितने परिवार में कितने लोग हैं आप लोगों के? हमारे 5 भाई हैं। 5 भाई हैं आप लोग? और मतलब यही घर में बच्चे बच्चे हैं? एक बेटी है। स्कूल जाती है कि छोटी है? छोटी है, वो भी चली गई, लड़के घरवाली ले गई है। अच्छा, वो चली गई। इस प्रकार से यहाँ के लोग रह रहे हैं, क्या क्या समस्या यहाँ पे? समस्या कुछ है पानी वगैरह के लिए? पानी वानी सब समस्या, सब कुछ दे रही है, लाइट वाइट सब कुछ, सबका बिल देते हैं, लाइट का पानी का सब कुछ आता है, देते हैं। फिर भी तोड़ने को कहते हैं यहाँ को। अच्छा, बिल लेते हैं, चीज का टेक जाता है यहाँ पे, पानी का। मीटर है। और ये देखो, ये सब मीटर दिख रहा है कैंपस से, कहूंगी मीटर दिखाइए। कपूर बस्ती में मीटर मौजूद है, हालांकि ढोलक बस्ती में मीटर नहीं लगे हैं बिजली के। पानी आता है, भाग जाएंगे। ये लाइट बहुत कम आती है, मतलब यहाँ पे जो है अब गर्मी चल रही, भगा दे रहे हैं लाइट, रात को एक बार में 10-10 बार लाइट भगा रहे हैं। अच्छा, और लाइन पाइपलाइन वगैरह भी है यहाँ पे? सावे मैम, कम से कम यहाँ पे 30 साल पुरानी लाइन बिछी हुई इसके अंदर। ये थोड़ी सी रोचक बात है कि यहाँ पे जो मीटर वगैरह है वो भी मौजूद है, पाइपलाइन भी है यहाँ पे, और अतिक्रमण की जद में ही आ रहा है। हालांकि ये थोड़ी सोचने वाली बात है, लोग काफी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। आप नाम बताइए अपना, कहाँ कितने सालों से रह रही हैं? 25 साल हो गए यहाँ पे। जमीन के कागज वगैरह है हम लोग? जमीन के किसी के भी नहीं मिलेंगे, किसी के नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ बिजली का बिल मिलेगा। आप अभी यहाँ में से कोई बिजली का बिल दिखा देगा हमें, कोई अपने घर से लाके? एक जना पानी का बिल और बिजली का बिल लिया है, सही है? और क्या आप बताइए, और बताइए कितना बिल आता है लगभग? अब तो कई महीनों से आ गया हमारे यहाँ बिल, लेकिन हाँ बिल आता ही है। घर में कितने लोग रहते हैं बताइए? घर में तो हम दो मामले हैं। हाँ बेटे, क्या करते हैं बेटे? बेटे हमारे मजदूरी कर लेते हैं। मजदूरी करते हैं? कहाँ करते हैं मजदूरी? काला ढोंगी रोड पे चौराहे। लालन पोषण अच्छे से हो जाता है आप लोगों का? क्या करेगा, शादी भी नहीं करी, चक्कर में घर उखड़ने खड़ने के हो रहा तो कर लाए दुकान में लाए बहू को दबाओगी। अच्छा, तभी शादी नहीं करी और क्या करें? ठीक है, आप बताइए, नाम बताइए अपना। अरे कितने सालों से रह रही है? 45 साल। कितने? 45। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बताइए
यहाँ पे लगातार आवाजाही हो रही है गाड़ी। 20 साल तो ऊपर लेकर जब भरान डला जहाँ पे वहाँ पे भी हमारा घर था, वहाँ पे भी घर वहाँ घर था, वहाँ से फिर तोड़ दिया। मलिक भाई ने डंडल दिया था ये यहाँ से तो भरान डला, तो जब हम यहाँ से वहाँ से ऊपर इधर आए, इधर आए, इधर आने के बाद में भी अभी 20-25 साल हो गए। कागज है आप लोगों के पास? कागज ही तो नहीं मैम, मार कहीं से खा रहा है यही तो बात है, बस खाली बत्ती का बिल मिलेगा और राशन कार्ड आधार कार्ड सब कुछ है। बिजली के बिल देने कौन आते हैं? बिजली विभाग वाले आते हैं, सरकारी आदमी आते हैं। तो ये थोड़ी ना वैसे कच्चा मीटर लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ। अच्छा, कहाँ पे घर है आपका? सामने सामने है, सामने है। तो ये थोड़ी सी वो बात है कि मैं आपको मीटर दिखाऊं, इस प्रकार से मैंने मीटर की बात की थी। आप हर एक घर में मीटर आपको दिख रहा होगा, कैन पर्सन से देखिए ये भी मीटर लगा हुआ है, इसके अगले वाले घर में मीटर लगा हुआ है, पाइप लाइन भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि आगे ढोलक बस्ती में किसी प्रकार के जो मीटर थे वो नहीं थे, लेकिन गफूर बस्ती में मीटर भी है और जो बिल देने सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पे आते हैं, पेयजल की जो लाइन है वो भी यहाँ पे आती है, इस प्रकार की बात इनकी ओर से कही गई है। हालांकि हमने बिल वगैरह मंगवाए हैं कि यदि आप बिल दिखा सके पानी का, बिजली का, तो एक लड़की बच्ची बिल लेने गई है वो दिखाया, वो देखते हैं कि किस प्रकार से वो लाती हो क्या बिल। जब भी तो मैम बहुत बिल भी और राशन कार्ड आधार कार्ड सब दिखाए थे, आप जैसे ही आए थे जितने कितनी मीडिया आती है बिल देखती मीटर देखती करती क्या, कुछ भी नहीं करती, हमारे हक में कुछ नहीं होता है, नहीं होता ना। देखिए हालांकि आज तो हम ऐसा कुछ अतिक्रमण अभी तो नहीं हुआ है, हम तो आपके जीवनचर्या देखने आए थे, वो यहाँ पे बात जीवन इतनी बढ़िया रात अगर आप देखते ना तो आपको भी दिल हिल जाता। आधी लेट आ रही थी, आधी नहीं आ रही थी, बच्चे इतने परेशान हो रहे थे, बिल बिल आ रहे हैं। अभी एक मृत्यु हो गई यहाँ पे, उनको इतनी हालत खराब हो गई, उनका हार्ट हो गया, कैसे दर्द हो गया, सिर में दर्द हुआ, अच्छे खासे गर्मी हो रही थी, गर्मी से उनके सिर में दर्द उठा, उल्टी आई, दर्द हुआ पेट पर खत्म। अब लेट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही, लेट आ रही तो पानी नहीं आ रही, पानी आ रही तो लेट नहीं आ रही। शौचालय है यहाँ पे? शौचालय सबके घर में है, सबके घर में है, हर चीजें सबके घर में, लेट सब सबके साथ। हम लोगों में पहले लेटरिन बनाते हैं, बाकी कुछ करते हैं, घर जहाँ कैसे भी हो लेटरिन से होगी सही, घर जहाँ झोपड़े में रहने ये तमाम जो ठेले वगैरह आते हैं यही के लोग हैं ये लोग? सब यही के लोग, यहाँ के भी किराए, अच्छे के होते हैं, किराए पे भी है, यहाँ के भी है, इधर उधर से भी आने के रह रहे हैं। बेचने जो लोग आते हैं तो मोहल्ले के बाहर से भी आते हैं, जैसे हल्द्वानी बाहर से उनके जहाँ पता नहीं है की कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, सही है क्या है, काम करने आते हैं, बाहर के ज्यादा है यहाँ पर, बाहर के ज्यादा है। सब्जी बेचने के लिए आते हैं, ये तो बाहर वाले ही आते हैं, पता नहीं है वो कहाँ से। राशन मिलता है? राशन पेट्रोल से मिलता है राशन? अच्छा, राशन वगैरह भी मिलता है और राशन कार्ड है सबके, सबके राशन कार्ड है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं ज्यादातर लोगों की दिनचर्या की बात करूँ, आमदनी क्या है यहाँ ज्यादा लोगों की, आप नाम बताइए। सब खत्म हो गया, बेचारों को रोटी मिल जाए यही बहुत है। क्या करते हैं यहाँ के लोग, करते क्या, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई मतलब गोला में जाते हैं, नाम गोला में जलाते हैं, नाम बताइए अपना। अमजद खान। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेरी उम्र हो गई पहले ही। कितनी आबादी यहाँ पे, टोटल आबादी कितनी है? आबादी तो यहाँ कम से कम 50,000 की आबादी है। तो यहाँ के लोगों की आमदनी क्या है टोटल, मतलब सब मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं, किसी का रोजगार नहीं है, कारोबार किसी का नहीं है, सब मजदूरी। बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं यहाँ के? हाँ जाते हैं, सरकारी स्कूल जाते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से, जिस प्रकार की जानकारी हमें मिली, कहना पसंद होंगी धीरे धीरे जरा भीड़ से दूर होइए, और गाड़ी आ रही पीछे से। हालांकि लगातार आप यदि मैं एरिया की आपको बात बताऊं, कैंप चाहे भी आपको कहना पसंद तस्वीरें दिखाएगा तो आप देखिए किस प्रकार से गलियां हैं काफ़ी तंग यहाँ पे हैं, लेकिन जो लगातार यहाँ पे आवाजाही हो रही है, लोग अपने अपने वाहनों से साधनों से यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। आप फलों के ठेले भी गफूर बस्ती में आपको नजर आ जाएंगे यदि आप आएंगे। इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं, नाम बताइए अपना सर, कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद। गफूर बस्ती के रहने वाले हैं? मुरादाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ मतलब रोज आते जाते हैं कि इकट्ठा लेके आते सारा सामान? हम सब
खाते हैं। रहते कहाँ फिर यहाँ? गफुरबस्ती। गफुरबस्ती में घर है आपका? किराए में रहते? अच्छा, यहाँ किराए वगैरह भी, किराएदार भी रहते हैं यहाँ पे? कितना हो जाता है यहाँ पे? यहाँ पे 2-4 सौ रुपए हो जाते हैं। 2-4 सौ रुपए। बाहर भी जाते हैं कि बस इसी बस्ती में? इसी बस्ती में रहते हैं, गफुर में बस। और ढोलक बस्ती जाते हैं? हम यहीं रहते हैं, यहीं घूमते फिरते हैं। ढोलक यहाँ गफुर बस्ती रहते हैं, यहीं घूमते फिरते यहीं रहते हैं। ये लीची कितनी लेके आते हैं एक बारी में? जितनी मिल जाए, एक मिल जाए, दो मिल जाए, 2-3 क्विंटल ले जाते हैं। फिर घर कब जाते हैं? घर तो महीने, 2 महीने, 6 महीने में जाते हैं। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ तो हम दो भाई रहते हैं। दो भाई रहते हैं, मतलब यहाँ के लोग यहीं रह के ये सारा करते हैं। बाहर से भी कोई आता है ठेला लेके? ऐसे हल्द्वानी के कोई ठेले वाले आ गए, वो आते हैं यहाँ से? कोई नहीं आता है, यहाँ के ज्यादातर तो यहाँ के रोजगार यहीं करते हैं, मतलब यहीं के लोग यहीं पे काम करते हैं। इसके अतिरिक्त बाहर से कोई नहीं आता है। बता दो, दुकानें भी यहाँ पे लोगों के पास मौजूद है? मेरे पीछे देख सकते हैं दुकान है, दुकान भी यहाँ पे है। यहाँ के लोग अपना रोजगार यहीं से कमाते हैं, चाहे बाहर से आगे किराए में रहे, कुछ इस प्रकार की बात सामने आई है। हालांकि बिजली के भी हमने अभी तक मंगाए थे, लेकिन अभी तक इस प्रकार के बिल वगैरह है वो नहीं आया, ना पानी का बिल अभी तक आया है। अगर वो बिल आता है तो उसके विजुअल मैं अभी आपको दिखा दूंगी। और इस प्रकार से कुछ जो गफूर बस्ती के लोग है अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि तमाम लोग, जितने भी लोग से हमने जानकारी ली, तमाम लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं और इसी प्रकार से लालन पालन करते हैं। यही के लोग खुद ही अपना रोजगार करते हैं, लोग बाहर से आगे किराए में भी रहते हैं। जिस प्रकार से जो लीची वाले थे उन्होंने बताया कि बाहर से आगे किराए में रहते हैं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं। मीटर यहाँ पे है, पेयजल यहाँ पे है, ये थोड़ी अलग बात ढोलक बस्ती से यहाँ के लोगों की है। और दो एक की बात ये भी है कि यहाँ के हर घर में जो शौचालय है वो भी मौजूद है। हालांकि आगे वाली बस्ती में शौचालय भी मौजूद नहीं था, तो थोड़ी स्थिति ढोलक बस्ती से यहाँ पर थोड़ी स्थिति सही है। और लोग यही कह रहे हैं कि सारी जो विभाग से इनको सुविधाएं मिल रही है, जिस प्रकार से मैं बिल की बात करूं, बिजली की, पानी की और राशन भी इनको मिल रहा है। तो यही था कि किस प्रकार से इस सीरीज में बस यही कि गफुरबस्ती के लोग कैसे रह रहे हैं, रेलवे अतिक्रमण को लेकर खास तौर पर उनकी क्या राय है, क्या उनके पास कागज है या नहीं है, यही हमने आपको बताया है। और हमें किसी के भी पास यहाँ पे कागज नहीं है, वो चलिए देखने वाली बात होगी। कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, अभी उस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इस सीरीज में फिलहाल बस इतना ही। अब अगली सीरीज JJN फिर से लेके आएगा, किसी और क्षेत्र से लेके आएगा और हल्द्वानी के उस इलाके से लेके आएगा जहाँ से कवरेज करना बेहद जरूरी है और आपको भी वहां के बारे में जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJN न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।